आप देख रहे हैं अमेज नाउ। एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। भारत सरकार के ईडी द्वारा समय समय पर किए गए छापेमारी से पहले ही तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टियां डरी, सहमी और सतर्क हैं। ऐसे में बुधवार की सुबह अचानक आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी नेता संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ा और एक बार फिर पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। फिलहाल सर्वाधिक रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र दिखे। जिस समय ईडी की कार्यवाही सांसद संजय सिंह के घर पर चल रही थी, उनके सामने तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे और फिर केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि इमरजेंसी का आगाज हो चुका है। दिल्ली राज्य सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, विपक्ष को डराने की यह कोशिश है, चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। सांसद संजय सिंह की पत्नी ने कहा कि अधिकारी अब दुर्व्यवहार पर उतारू हैं। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। तो वहीं सांसद संजय सिंह के पिता ने कहा कि इस कार्यवाही से सकारात्मक परिणाम भविष्य में निकलेंगे। के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हें ले जाया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे लगाए। तो वहीं सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है और इसी डर से आनन फानन में ऐसी तैसी कार्रवाई की जा रही है जिसमें पिछले 15 महीनों में एक फूटी कौड़ी भी अधिकारियों को नहीं मिली और ना ही संजय सिंह के घर से कुछ बरामद हुआ। देखिए, करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथा कथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडे करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडे करवाती है। कई सौ अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना, चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडिंग करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई, एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, आखिरी उनके उनका औजार है जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं।
देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की दुनिया की जनता भी समझती है। हमने आपको दिखाया दिल्ली में चल रही गतिविधियों का वीडियो क्लिप। लौटते हैं गोरखपुर में, जहां कार्यकर्ताओं के दिल में जो उबाल है वह भी शाम होते होते दिखने लगी। कार्यकर्ताओं ने जहां गोरखपुर महानगर के शास्त्री चौराहे पर पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया, गुरुवार को गांधी प्रतिमा के नीचे तकरीबन 5 घंटे तक गांधीगिरी करते हुए उपवास और मौन व्रत रखा। हालांकि आक्रोशित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला तैयार कर रखा था, जिसे समय रहते ही सतर्क पुलिसकर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया और पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं हो सका था। ये पूरा देश ये जान रहा है कि इस समय एक ही दल है जो मोदी को, तानाशाही को खत्म कर सकता है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, प्रखर वक्ता और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी, जो मोदी के भ्रष्टाचार को, मोदी अडानी के गठजोड़ को, पूंजीपतियों के दलाली को खत्म करने के लिए और उजागर करने के लिए लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और इसी से घबरा करके मोदी अपने जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं को, जिसमें खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये बार बार बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह से ये बेजा दबाव बना करके सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके छापा डलवाना, कोई सबूत नहीं देना, मनमानी करना। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।